नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अच्छी खबर से। अच्छी खबर यह है कि आने वाले दिनों में चीनी के दाम कम हो सकते हैं। जी हां, आपके लिए ग्राहक की खबर, और इसकी संभावना इसलिए बनी है क्योंकि हफ्ते भर में महाराष्ट्र और यूपी में गन्ने की पेराई शुरू होने वाली है। बाजार का यह अनुमान है कि उत्पादन में करीब 24% की बढ़ोतरी हो सकती है, तो डिमांड के मुकाबले अगर सप्लाई बढ़ती है तो कीमतें यहां पर काबू में रहेंगी। फिलहाल चीनी का रिटेल भाव 44 से 45 रुपए प्रति किलो के बीच है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चीनी मिलों का संगठन इस्मा के डीजी अविनाश वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अविनाश जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला कमेंट आपसे ये होगा कि गन्ने की पेराई अब शुरू होने वाली है, क्या आपको लगता है कि वाकई मार्केट में अगर सप्लाई बढ़ेगी अब तो चीनी के दाम काबू में आएंगे, कम होंगे? देखिए, पहला चीज तो ये है कि चीनी का दाम जो है पिछले 6 या 7 महीने में बिल्कुल फ्लैट रहा है, बिल्कुल ऊपर नहीं गया, ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन भी ऊपर नहीं गया है। हाँ, इसलिए हम कम होने की बात कर रहे हैं सर। हाँ जी, तो अब जब आगे जैसे हम लोग जाते हैं तो पुरानी चीनी जिनके पास भी रहती है, जब नई चीनी मार्केट में आ जाती है तो पुरानी चीनी थोड़े डिस्काउंट में निकलने लगती है। तो पुरानी चीनी है करीब करीब, वी स्टार्टेड द सीजन विद अबाउट 39-40 lakh tons, तो वो थोड़ा सा डिस्काउंट में आएगा, एक नंबर। दूसरा नंबर, चूंकि प्रोडक्शन बहुत हाई रहेगा, जैसे यूपी की अगर बात करें तो 2 साल में करीब करीब 50% हायर प्रोडक्शन बढ़ गया है इनका। तो ऑब्वियसली प्रेशर में रहेंगे, गन्ना किसानों को पेमेंट करने का प्रेशर है। यूपी ने कल दाम भी बढ़ा दिया 10 रुपया प्रति क्विंटल ऑफ शुगर केन, तो ये सब देखते हुए प्रेशर तो रहेगा चीनी पे। बट चूंकि अगला सीजन एक बहुत बैलेंस्ड सीजन है, जब जहाँ पे आपका प्रोडक्शन और डिमांड ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, तो चीनी का प्राइस बहुत गिरेगा भी नहीं, बहुत स्टेबल प्राइस रहेगा। हो सकता है कि 50 पैसे 1 रुपया नीचे जाए, ऊपर जाने की चांसेस कम है, बट बहुत ज्यादा भी नीचे नहीं जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा नीचे आने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। इकरा की एक रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड 97 लाख टन चीनी का उत्पादन होगा, और आपने भी ये बात कहा मिले डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं पुरानी चीनी पर, तो ऐसे में क्या ये माना जाए? आपने कहा कि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी, लेकिन क्या जब ये अराइवल का, जब ये क्रशिंग का सीजन पीक पे आएगा, तब क्या कुछ ज्यादा गिरावट आप देख पा रहे हैं? मैं जैसा मैंने बताया कि ये तो सेंटीमेंट्स पे वर्क करता है, ये कमोडिटी मार्केट आगे का भी देखता है कि आगे क्या प्रोडक्शन होने वाला है, क्या डिमांड बहुत कम है या सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो चूंकि मार्केट को ये मालूम है कि अगला सीजन करीब 250 लाख टन का प्रोडक्शन होगा और 250 लाख का अंदाजन कंजम्पशन होगा, तो बहुत ही बैलेंस्ड पोजिशन रहेगा। इसीलिए बहुत ज्यादा उथल पुथल मार्केट में मुझे नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में आपको लगता है अविनाश जी कि अब चीनी के मोर्चे पर बहुत चिंता नहीं है, और खास करके आप सरकार की तरफ से भी कुछ जो खबरें आ रही थी बीच में कि स्टॉक लिमिट एक्सटेंशन को लेकर इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, आपको ऐसा लगता है? जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब सप्लाई एडिक्वेट है, डिमांड को टेक केयर कर रहा है, और चीनी का प्राइस का आशंका है कि नीचे जाना चाहिए या होने वाला है, मार्केट ऐसी है, तो फिर स्टॉक होल्डिंग लिमिट काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी, बिकॉज प्राइस अगर कंट्रोल में है तो स्टॉक होल्डिंग लिमिट से डिमांड ही नीचे जाता है और प्राइस नीचे जाने की जरूरत नहीं है आज के दिन में। तो इसीलिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत सरकार की तरफ से ये स्टॉक होल्डिंग लिमिट बहुत जल्द खत्म हो जानी चाहिए। आप कह रहे हैं कि स्टॉक होल्डिंग लिमिट जल्द खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन चूंकि चीनी एक पॉलिटिकली भी सेंसिटिव कमोडिटी है, लिहाजा सरकार की नजर हमेशा बनी रहती है। ओवरऑल अगर आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि ओवरऑल आप डिमांड सप्लाई का सिचुएशन लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी कैसा देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि डिमांड के मुकाबले जो ओवरऑल सप्लाई के हालात हैं वो लॉन्ग टर्म में भी कंफर्टेबल बने रहेंगे? जी बिल्कुल, अगले साल जैसा मैंने बताया जो सीजन अभी स्टार्ट हुआ है 17-18 में बहुत बैलेंस्ड डिमांड सप्लाई पोजिशन है, परंतु जो 18-19 जो अक्टूबर 2018 ऑनवर्ड जो सीजन आने वाला है, हमें लग रहा है कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। आज अगर हम लोग 250 लाख टन इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके अगले साल इट कुड गो अप टू अ रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑल्सो। हमने रिकॉर्ड करीब 283 लाख टन किया है 3-4 साल पहले, तो उतना हाई होने पे डिमांड उतनी नहीं रहेगी, तो हम लोग 18-19 में थोड़ी प्रेशर रहेगी हम लोगों पे, जिसमें कि हम लोग चीनी को एक्सपोर्ट करना चाहेंगे सरप्लस शुगर को। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अविनाश वर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आगे चीनी की कीमतें क्या रहेंगी, डिमांड सप्लाई के हालात क्या रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अब दूसरी महत्वपूर्ण खबर का, और एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं ग्राउंडनट को लेकर के, मूंगफली को लेकर के एक बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट आई है। गुजरात जो कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मूंगफली का,
गुजरात में मूंगफली का इस साल रिकॉर्ड उत्पादन होने वाला है। सी ने एक सर्वे किया है, ग्राउंड सर्वे किया है, उसमें ये बात निकल कर आई है 41,45,000 टन उत्पादन का अनुमान यहां पर जताया गया है। सी के फील्ड सर्वे में यह खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि पिछले साल से यह उत्पादन करीब 2,00,000 टन ज्यादा है। ये खबर का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि मूंगफली के दाम एमएसपी से करीब 500 रुपए प्रति क्विंटल तक नीचे हैं। हालांकि गुजरात सरकार ने सरकारी खरीद का ऐलान किया है मूंगफली का, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि किसानों के पास ज्यादा माल आने वाला है और सरकारी खरीद उसके मुकाबले काफी कम होगी। ऐसे में किसानों की मुश्किलें थमने वाली नहीं है। इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मूंगफली का, और मूंगफली को लेकर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य में खरीद शुरू हुई है, लेकिन सरकारी खरीद के मुताबिक एक किसान से करीब 2.5 टन मूंगफली की ही खरीद होगी, जबकि सी का यह मानना है कि एक छोटे किसान के पास भी करीब 12 से 15 टन मूंगफली होता है, मूंगफली की पैदावार होती है। तो ऐसे में जो बाकी का उत्पाद होगा किसानों का, वो कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान में बेचना पड़ेगा, क्योंकि अभी एमएसपी से दाम 500 रुपए प्रति क्विंटल कम है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीरेन वकील हैं, जो कि खुद इस सर्वे में शामिल थे, और साथ ही हमारे साथ सी के ईडी हैं बीबी मेहता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बीरेन वकील, मेरा आपसे सवाल यह होगा, आपने सर्वे किया है, आप खुद फील्ड में गए हैं, क्रॉप के क्या हालात आपने देखे हैं? काफी अच्छे है, मेहता साहब भी साथ में थे। करीबन गुजरात का क्रॉप हम 31-90-32 समय से है, और ऑल इंडिया बेसिस का क्रॉप 52 लाख होगा। लास्ट ईयर से काफी अच्छा क्रॉप है, क्वालिटी भी अच्छी है, अफ्लाटॉक्सिमिया जो इश्यू है वो नहीं है, बट एक्सपोर्ट की पेरिटी कम रहेगी एचपीएस की। ओके, तो आप कह रहे हैं क्रॉप काफी अच्छी है लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड कम रहने की संभावना है। हमारे साथ डॉक्टर बीबी मेहता भी जुड़े हैं सी के ईडी। डॉक्टर मेहता, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और उत्पादन रिकॉर्ड होने की संभावना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरी बात जो है वो किसानों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा करने वाली है, क्योंकि राज्य में सरकारी खरीद शुरू तो हुई है, लेकिन जैसा कि आपकी रिपोर्ट बता रही है कि सरकार एक किसान से 2.5 टन ही मूंगफली की खरीद करेगी, जबकि एक छोटा किसान भी, जैसा कि आप कह रहे हैं अपनी रिपोर्ट में, कि 12 से 15 टन मूंगफली पैदा करता है, यानी बाकी का जो उत्पाद होगा उन्हें बाजार भाव पर बेचना पड़ेगा, जहां पर उन्हें एमएसपी से 500 रुपए कम भाव मिलेंगे। तो डॉक्टर मेहता, आप डॉक्टर हैं, इस मर्ज की दवा क्या है? इसकी दवा सिंपल है, लोकल प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल बढ़नी चाहिए, ताकि वो ट्रांसलेट होके ऑयल सीड की प्राइस बढ़े, और उसके लिए गवर्नमेंट को इमीडिएटली ड्यूटी हाइक करनी चाहिए, इम्पोर्ट ड्यूटी। अगर ऑयल सीड इम्पोर्ट में ड्यूटी बढ़ाया जाए तो ऑटोमेटिक लोकल प्राइस विल गो अप, और इनके वजह से उनको एक मिलेगा। दूसरा, दो तीन चीज और भी है जो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी जरूरी है, उसमें गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। आज जो एमएसपी दे रहे हैं, पर एमएसपी के साथ में प्रोडक्टिविटी अगर कोई किसी तरह लिंक किया जाए तो भी उसके लिए एक किसान को एक एनकरेजमेंट मिलेगा कि भाई मैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाऊं ताकि मेरे को ज्यादा एमएसपी मिले। वो भी कहां का लिंक करनी जरूरी है। नहीं, लेकिन मिस्टर मेहता, आपका जोर इस बात पर क्यों है कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़नी चाहिए? आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि सरकार को एमएसपी पर खरीद का दायरा बढ़ा देना चाहिए? क्योंकि ड्यूटी अगर सरकार बढ़ाती है तो इसका तुरंत इम्पैक्ट नहीं होगा, ड्यूटी बढ़ेगा उसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट मार्केट में आएगा, तब तक किसानों के हाथ से माल निकल जाएगा। होना यह चाहिए कि सरकार अपना दायरा बनाए, बढ़ाए, क्योंकि अब 2.5 टन की खरीद सरकार करेगी तो इसका दायरा बढ़ा के सरकार ये कोशिश करे कि किसानों का पूरा माल खरीदे। पूरा माल खरीदे करेगी क्या? गवर्नमेंट का वो रोल नहीं है, गवर्नमेंट का रोल है मार्केट को सपोर्ट करना। ये अगर जब भी मार्केट नीचे गिरी तभी एमएसपी से लेके सपोर्ट करना है, पर दैट्स नॉट अ करेक्ट सॉल्यूशन फॉर एवर। आज 500 करोड़ जो अलॉट किया है उसमें तो खाली 1,00,000 टन माल ले सकेंगे गुजरात गवर्नमेंट। आज 30 लाख का क्रॉप है, 30 लाख के कितना 15,000 करोड़ रुपए लगेंगे, वही तो मैं कह रहा हूँ। मार्केट फोर्स ही हो लगेगी, आपको इंडस्ट्री भी चलानी है तो इंडस्ट्री को भी माल चाहिए, तो इंडस्ट्री माल कब लगी? जब उसे 2 पैसा मिल रहा है, पैरिटी बैठ रही है। अभी अगर मैं 4,500 रुपए में लू तो मेरे को लॉस जा रहा है, डिस्पैरिटी हो जा रहा हो। लेकिन मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ लोगों की ये दलील होती है कि इंडस्ट्री लगातार जब ये पिच करती है कि इम्पोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी हो, तो उनका मकसद किसानों को फायदा पहुंचाना नहीं होता है, उनका मकसद होता है कि इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाया जाए। और किसानों के पास होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, और अब चूंकि अराइवल पीक पे है, सरकार डिसीजन लेगी, उसका इम्पैक्ट आएगा,
तब तक बड़े पैमाने पर किसान अपना माल बेच चुके होंगे। सहमत हो कि एमएसपी ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी लेनी चाहिए जब ये मार्केट नीचे जा रही है, बट अल्टीमेटली एम ये होना चाहिए मार्केट फोर्स शुड एबल टू पे टू द किसान, किसान को जो है ना मार्केट फोर्स दे सके, इंडस्ट्री दे सके, ऐसा माहौल आप कीजिए ताकि गवर्नमेंट को कम से कम लेना पड़े और मैक्सिमम इंडस्ट्री या तो जो ट्रेडर जो भी है वो माल ले सके इस रिजनेबल प्राइस पे। और अगर अगर आपको ऑयल पीलन की प्राइस बढ़ानी है तो कैसे बढ़ेंगे? एक दो चीजें, अगर आपको ऑयल मिल का एक्सपोर्ट बढ़ोतरी हो तो उसका सपोर्ट मिलता है, वो अभी नहीं है। अभी दूसरा है इम्पोर्ट, ऑयल का भाव नहीं बढ़ रहा है क्योंकि इम्पोर्ट इतना आ रहा है, अगर इम्पोर्ट में थोड़ा प्राइस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक लोअर लेवल थोड़ा ऊपर आएगा, दैट मींस ट्रांसलेट टू राइट प्राइस टू द फार्मर। ओके ओके बीरेन, हाँ ठीक है बीरेन वकील, अब चूंकि सारे हालात हमारे सामने हैं, उत्पादन के आंकड़े, प्राइस के आंकड़े, ऐसे में आगे आप प्राइस को कहां पर देख रहे हैं मूंगफली के? दिसंबर तक ये होप का ट्रेड, आशावाद का जो प्रीमियम थोड़ा कुछ है वो बन पाएगा, उसके बाद डिस्ट्रेस सेलिंग आना चाहिए क्योंकि एचपीएस एक्सपोर्ट का हालात नहीं है और इस भाव पे तो हम ग्राउंड नट ऑयल एक्सपोर्ट जो अभी अप्रूव हुआ है वो भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद शायद 650 के आसपास प्राइस स्टेबल हो जाएगी।